हेलो फ्रेंड्स, मैं एलआर कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल आरएस इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको एडवांस रेफ्रिजरेशन MR 301 के सब्जेक्ट के टॉपिक कूलिंग टावर के सब टॉपिक टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर के बारे में बताऊंगा। अपन आज कूलिंग टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस करेंगे। कूलिंग टावर मेनली जो है अलग अलग उनके मेथड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ एयर सर्कुलेशन, इस तरह से एयर किस तरह से सर्कुलेट होगी उसके आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया है। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट टाइप और मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप। मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप को भी आके सब डिवाइड किया गया है, फोर्स ड्राफ्ट टाइप और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टाइप। आज अपन नेचुरल ड्राफ्ट टाइप और मैकेनिकल ड्राफ्ट टाइप दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ फिलिंग, यानी उसके अंदर जो कूलिंग टावर है उसके अंदर जो बीच के अंदर स्पेस है उसको किस चीज़ से भरा गया है या खाली रखा गया है उसके आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्प्रे फिल टाइप और बैक फिल टाइप, इनके अपन बाद में स्टडी करेंगे। देन एयर फ्लो की डायरेक्शन के आधार पर भी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, काउंटर फ्लो टाइप और क्रॉस फ्लो टाइप। तो सबसे पहले अपन नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मैकेनिकल ड्राफ्ट में पहले पोस्ट टाइप, फिर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन अकॉर्डिंग टू फिलिंग मेथड ऑफ फिलिंग यानी स्प्रे फिल टाइप, डेक फिल टाइप और काउंटर फ्लो एंड क्रॉस फ्लो टाइप कूलिंग टावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर। नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर की जैसा कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये एक बॉक्स टाइप का है जिसमें साइड से जो है ना एयर को एंटर करने के लिए जगह दी गई है। ये वाली ये सारी जो है यहाँ से ये जो एयर दे ये जो दे रखी है डायरेक्ट ये जो दे रखी है ये वाली ये स्पेस दे रखी है, यहाँ से एयर एंटर करती है। एयर जो है नेचुरली एयर आपकी एंटर करेगी, हॉट वाटर जो कंडेंसर से आ रहा है वो यहाँ से आएगा, यहाँ से आकर के फिर यहाँ पर जो है स्प्रे नोजल्स लगे हुए होते हैं। जैसे ये आपका लगा हुआ है, ये स्प्रे नोजल है, ये स्प्रे नोजल्स हैं, सो मेनी स्प्रे नोजल्स। ये स्पेस जो इसकी साइज है उसके अकॉर्डिंग टू स्प्रे नोजल्स लगा सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है भाई इतने ही लगाने हैं। इन स्प्रे नोजल्स के द्वारा जो हॉट वाटर है वो स्प्रे होएगा, स्प्रे होएगा तो इसके अंदर जो बीच के अंदर स्पेस है उसमें आपका वाटर ड्रॉपलेट्स, स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर या जो है ना स्मॉल सर्फेसिस के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से जो है नेचुरली एयर जिधर से भी आ रही है उन्हें एयर आएगी, एक साइड से आएगी, एक साइड से आपकी आउट होगी। जैसे मान लो यहाँ से आपकी एंटर होती है उस ऊपर से निकल जाए, क्योंकि वो आपकी एयर यहाँ से जो होगी वो कम टेम्परेचर की यहाँ से आएगी, वो कम टेम्परेचर की होगी, अंदर जाएगी वह ये ऑपरेशन के द्वारा हीट लेगी, हीट ले करके और बाहर निकल जाएगी। मोस्टली ऊपर से बाहर निकलने का स्पेस आपको ऊपर से होता है, साइड से आपकी एयर एंटर होती है, नेचुरल टाइप होता है। कूल्ड वाटर जो इसके बाद में जब पानी ठंडा होकर के यहाँ बेसिन में इकट्ठा हो जाता है, ये बेसिन है इसकी, और फिर यहाँ से जो है वापस कंडेंसर में चला जाता है, क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा जो लॉसेज होते हैं उसको उस वाटर को मेकअप करने के लिए मेकअप वाटर सप्लाई जो है ना इसकी यहाँ से दी होती है। ये मेकअप वाटर सप्लाई का पाइपलाइन है जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो दिस इज़ द नेचुरल टाइप, नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर है। इसकी जो मेन फीचर्स है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो है एयर जो है आपकी नेचुरल कन्वेक्शन के द्वारा ही फ्लो होती है, यानी एयर फ्लो करवाने के लिए अलग से जो है ना आप वो नहीं करोगे कुछ भी, इसके अंदर फैन वगैरह फैन या ब्लोअर ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वार्म वाटर जो है ना स्प्रे विद द हेल्प ऑफ पंप के द्वारा कंडेंसर में फ्लो होता हुआ जो है ऊपर टॉप पे जो कूलिंग टावर है उसके टॉप पे स्प्रे करवाया स्प्रे नोजल्स के द्वारा स्प्रे करवाया जाता है। फिर एक्सपोज सरफेस इज डिपेंड ऑन द स्प्रे पैटर्न, जिस तरह का स्प्रे पैटर्न आप जो नोजल्स किस तरह से ले रहे हो इसके ऊपर एक्सपोज वाटर सरफेस डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एक्सपोज वाटर सरफेस होगा कूलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी आएगी, कूलिंग ऑपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो क्वांटिटी एंड वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग इज डिपेंड ऑन द विंड वेलोसिटी, यानी विंड की वेलोसिटी कितनी है इसके ऊपर ही कितनी एयर आ रही है और किस वेलोसिटी से आएगी विंड वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि अपन को अलग से जो है ना फैन या ब्लोअर काम में नहीं ले रखे। यदि विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में एयर आएगी, ज़्यादा कूलिंग होगी। यदि विंड वेलोसिटी कम है तो कम एयर आ पाएगी, कम ही तो कूलिंग भी थोड़ी कम होगी। इस तरह से कैपेसिटी जो है वो भी जो है कूलिंग टावर कैपेसिटी जो है ना वो भी विंड वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। यदि विंड वेलोसिटी अच्छी है तो कूलिंग अच्छी होगी,
तो इस तरह से जो नेचुरल ड्राफ्ट और कूलिंग टावर हो तो ऑलवेज जो है बाहर ओपन स्पेस में रखे जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग हो सके। जो नेचुरल एयर आ रही है वो नेचुरली एयर ज़्यादा वेलोसिटी से हमें प्राप्त हो सके। इसको अपन किसी रूम में या मोस्टली जो है ना रूफ पे इसको जो है कॉमनली रखा जाता है। दिस इज़ द नेचुरल कूलिंग टाइप, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर सिस्टम। देन मैकेनिकल फोर्स ड्राफ्ट टाइप, पहले उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल फोर्स ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है कि सेम वही जिस तरह से आप नेचुरल ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर होता है उसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें जो डिफरेंस होता है ये मैकेनिकल टाइप है, यानी इसमें एक फैन और लगा होता है, साइड से फैन लगा देता है तो बॉटम साइड से एयर को जो है काउंटर फ्लो वाइज फ्लो करवाएगा और यहाँ पर जो वाटर आ रहा है, जो वार्म वाटर आएगा यहाँ से कंडेंसर से, वो इसके संपर्क में एयर के संपर्क में आएगा और एयर अपने साथ में उसको एवेपोरेशन के द्वारा हीट को लेके जाएगी। और यदि फिर चूँकि फोर्स से आ रही है एयर, इसलिए कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इसके साथ में हो सकती है, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए ड्रिप ऑफ मतलब जो वाटर जो है ना कुछ वेस्टेज हो जाए उसको ड्रिप ऑफ कहते हैं। कि जैसे मान लो ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर चला गया, उछल के बाहर चला गया, तो ड्रिप ऑफ कहलाता है। ड्रिप ऑफ को कम से कम करने के लिए एलिमिनेटर ऊपर एलिमिनेटर लगा दिया जाता है। इन एलिमिनेटर का काम यही है कि यहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है उसको रोके ताकि एक्सेस वाटर आपके बाहर नहीं जा सके। ये बेसिन है, सेम वहीं पर वही चीज़ें हैं। यहाँ पर भी अपन एक मेकअप वाटर सप्लाई के लिए लाइन लगा सकते हैं। तो दी जाते एयर सर्कुलेशन थ्रू द टावर बाय द एक्शन ऑफ द फैन और ब्लोअर फैन के एक्शन के द्वारा एयर फ्लो होती है। इन मैकेनिकल पोस्ट ऑफ टायर टाइप कूलिंग टावर एयर इज फोर्स थ्रू द टावर। टावर के अंदर एयर को फोर्स किया जाता है, एयर को फोर्स किया जाता है। ठीक है। वार्म वाटर इज स्प्रेड एट द टॉप ऑफ द टावर, एयर इज फोर्स फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉटम टुवार्ड्स द टॉप। बॉटम से ऊपर की तरफ जो है ना एयर को फोर्स किया जाता है ताकि एयर जो है ना उसके वाटर के संपर्क में आए, वाटर एक्सपोजर सरफेस के संपर्क में आए, इवेपोरेट होए और हीट अपने साथ ले, लेटेंट हीट के रूप में हीट अपने साथ लेकर के बाहर जा सके। एलिमिनेटर एट द टॉप ऑफ द टावर इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ड्रिफ्ट लॉसेस। ड्रिफ्ट लॉसेस को कम करने के लिए एलिमिनेटर लगाए जाते हैं, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स टू गो विद द एयर उनको कम से कम किया जाए, इसके लिए एलिमिनेटर लगाए जाते हैं। रिसर्कुलेशन ऑफ द एयर शुड बी अवॉइडेड। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कई बार एयर का रिसर्कुलेशन हो जाता है क्योंकि वहीं से वो जो है ना आपका एयर जो ऊपर की एयर ऊपर से जो एयर आउट आ रही है वही आपकी इनलेट में नीचे से अवेलेबल हो जाती है। इसको कम से कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ताकि इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। साइज ऑफ द टावर विल बी स्मॉल कंपेयर टू नेचुरल टाइप की तुलना में इसकी जो है ना साइज जो है ना छोटी होगी क्योंकि अपन इसमें फैन यूज ले रहे हैं। कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि यदि एयर वेलोसिटी और वाटर फ्लो रेट यदि कांस्टेंट है तो इसकी कैपेसिटी जो है ना लगभग कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एयर वेलोसिटी अपन जो है ना फैन के द्वारा प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए कैपेसिटी इसकी जो है ना कांस्टेंट रह सकती है। इंस्टॉल्ड एनीवेयर इन स्मॉल स्पेस यूजिंग डक्ट और विदाउट डक्ट। स्मॉल स्पेस में भी इनसाइड आउटसाइड कहीं पर भी इसको लगाया जा सकते हैं। अंदर में भी एयर के लिए पासेज नहीं तो डक्ट लगा करके ब्लोअर लगा करके भी अपन एयर इसमें उपलब्ध करवा सकते हैं। इनिशियल ऑपरेशन कॉस्ट जो है ना कंपेरेटिवली नेचुरल टाइप की थोड़ा ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें फैन यूज करते हैं, फैन की कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो दिस इज द मैकेनिकल फोर्स टाइप, मैकेनिकल फोर्स टाइप कूलिंग टावर। नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिकल इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या होता है, एयर को सक किया जाता है, यानी कि एयर इंड्यूस की जाती है, यानी यह फैन जो है वो टॉप पे लगाया जाता है, टॉप में लगाया जाता है तो एयर यहाँ से सक नीचे से बॉटम से जो है ना साइड से जो है ना सक करके ऊपर की तरफ खींची जाती है, इसलिए इसको मैकेनिकल इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर कहते हैं। सेम वैसा ही है जैसा कि फोर्स टाइप है, फर्क इतना ही है फैन यहाँ जो नीचे लगाते थे, यहाँ अपन फैन लगाते थे जहाँ पर एयर इन हो रही है वहीं पर फैन लगा देते थे, फैन ब्लोअर उसको टॉप में आउटलेट पे एयर के आउटलेट पे लगाते हैं। बाकी चीज़ें सेम है, सेम उसी तरह से एलिमिनेटर लगाते हैं। इसकी जो खास बात है वो अलग से वो ये है कि ब्लोअर इज माउंटेड एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप में ब्लोअर माउंट किया जाता है। फैन ड्रा द एयर थ्रू द टावर। टावर के अंदर से जो है ना फैन एयर को ड्रॉ करता है, खींचता है, रिसर्कुलेशन नहीं हो पाता है, इसमें एयर का रिसर्कुलेशन होने के चांसेस बहुत कम होती है। मोस्ट इंस्टार्ट आउटसाइड लोकेशन में इसको इंस्टॉल किया जाता है। ये जो है आपका पोस्ट टावर से भी ज़्यादा एफिशिएंट टावर होता है क्योंकि इसमें जो है ना रिसर्कुलेशन की संभावना कम रहती है, जिससे एफिशिएंसी बनी रहती है। थैंक यू।